उधर सब कुछ योजना के हिसाब से चला तो एयर इंडिया के दिन फिरने वाले हैं। भारी नुकसान झेल रहे सरकारी एविएशन कंपनी स्टार अलायंस में शामिल हो गई है। एविएशन सेक्टर के जानकारों का मानना है कि इसके बाद एयर इंडिया की हालत में सुधार संभव है। स्टार अलायंस के साथ एयर इंडिया यात्री को होगा सीधा फायदा, आय में होगी 5% बढ़ोतरी, एक टिकट में पाइए सारी सुविधा। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, शायद इस वक्त एयर इंडिया पर ये बात बिल्कुल ठीक बैठ रही है। तिनके का सहारा मिले ना मिले, लेकिन इस डील के बाद 5% का फायदा तो एयर इंडिया को जरूर होगा। आज की तारीख में तंगहाल एयर इंडिया करीबन 33,200 करोड़ के नुकसान में है। ऐसे में महाराजा का ग्लोबल ग्रुप स्टार अलायंस में शामिल होना एक राहत की खबर है। एंड एवरीबॉडी फील्स दैट दिस इज गोइंग टू बी अ विन-विन सिचुएशन वेयर स्टार अलायंस बेनिफिट्स वेयर एयर इंडिया विल आल्सो बेनिफिट। इस अलायंस में जो आपके पास नेटवर्क होता है वो विश्वव्यापी हो जाता है। आप अपने यहाँ दिल्ली में बैठ के या छोटे से हिंदुस्तान के एक शहर में बैठ के सारी दुनिया के लिए यात्री को सफर करा सकते हैं, जिसे हम एक सीमलेस ट्रेवल कहते हैं, तो उससे यात्रियों की संख्या बढ़ती है। एयर इंडिया पिछले एक साल से स्टार अलायंस में शामिल होने का इंतजार कर रहा था। यह अलायंस 193 देशों में 1,259 एयरपोर्ट से हर दिन 18,000 उड़ानों का संचालन करता है। स्टार अलायंस के सदस्यों के पास 4,338 विमान हैं और ये एयरलाइन सालाना 64 करोड़ लोगों को यात्रा करवाती है। जाहिर सी बात है इसके बाद एयर इंडिया की छवि जरूर बदलेगी। ये टाइम है स्ट्रेटेजिक अलायंस का, चाहे वन वर्ल्ड ज्वाइन करें चाहे स्टार अलायंस ज्वाइन करें, उससे ये है कि एयर इंडिया का रूट नेटवर्क बढ़ेगा और एयर इंडिया सेल कर सकेगा और एक थ्रू राउंड द वर्ल्ड फेयर्स हो सकेंगे। जहां जहां एयर इंडिया नहीं भी जाता वहां पर भी एयर इंडिया की डॉक्यूमेंट पे आप टिकटें इशू कर सकते हैं और बाकी एयरलाइंस जितनी स्टार एयरलाइंस की मेंबर्स हैं वो एयर इंडिया को फीड करेंगी, तो उससे काफी आपका रिवेन्यू बढ़ेगा, तो इट्स अ गुड स्टेप। भारत की सबसे पुरानी और बड़ी विमान सेवा गड़बड़ियों और विवादों के कारण हमेशा घाटे में रही है, लेकिन जब से सरकार ने कहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसे में कुछ उम्मीदें तो एयर इंडिया से भी रख ही सकते हैं। ग्लोबल एयरलाइंस ग्रुप स्टार अलायंस के साथ जुड़ने के लिए एयर इंडिया पिछले एक सालों से इंतजार कर रही थी, ये इंतजार अब खत्म हो चुका है। स्टार अलायंस 193 देशों में सालाना 64 करोड़ यात्रियों को यात्रा करवाती है और इससे जुड़ने के बाद अब एयर इंडिया 1,200 एयर डेस्टिनेशन पर बिना रुके उड़ान भर सकेगी, जिसका सीधा फायदा आम यात्रियों को होने वाला है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ प्रांजलि सिंह, फोकस न्यूज, दिल्ली। उधर 8 मार्च को गायब हुए मलेशियाई विमान MH370 में कोई खराबी नहीं थी और न ही गिरने से पहले वो क्षतिग्रस्त हुआ था। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। विशेषज्ञों के अगर एक्सपर्ट की माने तो विमान के लापता होने के तुरंत बाद जो पिंग्स सुना गया था वो विमान के डेटा रिकॉर्डर की होगी, लेकिन कई हफ्तों तक समुद्र के नीचे खोज के बाद पता चला कि आवाज का विमान से कोई लेना देना नहीं था। खोजी टीम ने उपग्रह से मिले शुरुआती आंकड़ों के आधार पर खोज की तो पता चला कि रडार रीडिंग के मुताबिक विमान अपने निर्धारित ऊंचाई 43,100 फुट की ऊंचाई पर था, लेकिन अचानक 45,000 की ऊंचाई पर पहुंच गया और तभी से विमान लापता हो गया। फिलहाल लापता विमान की खोज ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो के प्रमुख मार्टिन ढोलन और उनकी टीम कर रही है। आपको बता दें कि मलेशियाई विमान MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग जाते समय लापता हो गया था। इस विमान में 239 यात्री सवार थे।